मॉर्निंग फ्रेंड्स, लाइव प्लाटर में आप सबको फिर से एक बार स्वागत है। मैं अच्छी हूँ, टुआ भी अच्छी है, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे और अच्छे रहने का कोशिश भी करेंगे। तो मॉर्निंग होकर आफ्टरनून तक पहुँच गया है, घड़ी का कांटा, धूप छाँव जो भी है। मैं भी ऑफिस जाना है, यहाँ मैं साग के लिए फोरन जो है रेडी कर लिया हूँ। यहाँ साग एक फूल गोभी साग और मूली साग एक साथ आज मिक्सिंग करके इसको भूजना है। तुआ कभी नहीं खाई मूली सब फूलगोभी साग का मिक्सिंग वाला भाजी, खाई तुम? मने पछंद नहीं। तो आज मैं खे थाकबो, तुम्ही आज मने मैं सब रकम ही खे थाकबो। आज मैं वही बना रही हूँ, इसको अच्छा से क्लीन कर लेना है और एक बार धोना है इसको, नहीं तो गंदा है ना, मिट्टी उट्टी लगे रहता है सब। बाजार से तो नहीं, बाजार से साफ मिलता है। मैं जहाँ से लाई वहाँ पूरा खुद मैं काट के लाई। कल गई थी मैं एक जगह प्रोस्पेक्टिंग के लिए और वहाँ मुझे एक बोरा सब्जी दिया, पूरा एक बोरी, आप विश्वास नहीं करेंगे मतलब। और मैं ऐसे ही फ्री में दे रहे थे, मैं कुछ अमाउंट हाथ में दे के आई हूँ, क्योंकि बाजार से भी तो मुझे खरीदना पड़ता, अगर मैं खरीदने जाती तो मैं दे के आई, तो मैं खुद शॉक्ड रह गई और उन घर तक भी पहुँचा दिया। तो वही जो है पत्ता मतलब खुद काट के लाई, तो पूरा फूलगोभी गोटा एकदम पूरा पत्ता समेत, फिर लौकी वहाँ सब है, क्लीन करके सब रखा हूँ। आधा फ्रिज में मैंने स्टोर कर दिया हूँ, आधा मैं डिस्पैच कर दिया हूँ, क्योंकि उतना मेरा घर में भी जगह नहीं है, फ्रिज में भी जगह नहीं है और खाने के लिए भी उतना नहीं अच्छा लगेगा। रोज़ रोज़ एक ही चीज़ अच्छा भी नहीं लगता दोस्तों, है कि नहीं, बोलिए। फूलगोभी, लौकी, भगवान के लिए पूजा का फूल, धनिया पत्ता, नींबू, मैं बाकी जितना है मैं दिखाती हूँ आपको फिर से। दोस्तों इसका बात सुन के ना लगता ही है नहीं कि वो एक लड़की, जवान लड़की है, मुझे लगता बिल्कुल नहीं है। वो पानी कल भरी है मुझे दो तीन बार, वो बोलती ना ना मैं प्रथम बोललाम, प्रथम बोललाम आज के, आमी भूले ही गेछिलाम। अच्छा किसके लिए भर रही है पानी? मेरे लिए, ठीक है, मैं खाती हूँ, मैं पीती हूँ, फेंकती हूँ, है तेरा बोझ के पास छोटा बच्चा हूँ मैं, तो मेरे लिए पानी जो स्टोर करके रखना पड़ता है, समझ रहे ना आप सब। चलिए इसका बातों का जवाब देने लगूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोर होते रहेंगे। मैं हम क्या क्या मुझे दिया, जब जिस दिन अपना हाथ से मोबाइल लेके मैं वीडियो करूंगी, मैं पूरा व्यू आपको दिखाऊंगी और कौन सा जगह मैं कहाँ जाती हूँ, आदिवासी इलाका है, प्रोस्पेक्टिंग के लिए मैं जाती हूँ, तो सारा आपके साथ मैं शेयर करूंगी। इसीलिए मैं नाम अभी मतलब डिस्क्लोज नहीं किया है, नहीं बताऊंगी, ये सरप्राइज रहने दीजिए। एक्चुअली मैं भी नहीं गई हूँ फ्रेंड्स, मुझे भी नहीं पता, मेरे लिए भी सरप्राइज ही है। और यहाँ पे चावल बन गया है, मम्मी बना दी थी पहले ही चावल। और ये वेजिटेबल्स फ्रेंड्स जो कल मम्मी लेके, और भी बहुत कुछ था, कुछ रख ले सब भीतर रखे दी जो। ये देखिए फ्रेंड्स, इतने साइज के मम्मी ने बांट दिए, क्योंकि इस ऐसे लौकी और दो इतने बड़े बड़े थे, फिर चार फूलगोभी, फिर वो साग जो आपने देखा वो, उसके बाद सीम, ये देखिए, और ये की बोले तो हिंदी कागजी लेबू ने की, ये देखिए, ये नींबू, ये फूल, उसके बाद ये पूजा के लिए फूल, सीम होने चले ना, सीम भी था फ्रेंड्स, लेकिन वो फ्रिज में है, बाद में दिखाऊंगी। अच्छा नहीं है बोल रही है, अच्छा ये देखिए, मेरे बाजार से खरीदा हुआ था बहुत, देखिए ये सीम, ये देसी वाले हैं, ये मार्केट में जनरली मिलता नहीं है, ये गांव देहात में ज्यादा मिलता है, मार्केट में भी मिलता है, वो मिलता है लेकिन बहुत कम लाते हैं ना, लेकिन मार्केट वाला जो है वो पूरा सार एकदम पूरा ये देखिए कंपोस्ट देखिए पूरा ग्रीन होता है बिल्कुल, ये थोड़ा देखिए पूरा ग्रीन नहीं है, ये थोड़ा सा डिसकलर जैसा है, इधर ग्रीन है इधर व्हाइट है, ये पूरा काव मैनर से पूरा ये तैयार किया गया है, मैं खुद देख के आई हूँ। और पूरा वो लोग का आदिवासी इलाका है तो लोग ज्यादा वो फॉस्फोरस क्या बोलते हैं, क्या क्या डालते हैं, वो सब सब्जी बनने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो मुझे लगता है कि वो लोग देते नहीं होंगे, सारा गोबर एकदम पूरा खेत में वो लोग दिया हुआ है, तो बहुत शरीर के लिए भी हेल्दी होता है। तो मैं जब देती है, वो लोग देता है तो मैं मना नहीं करती, क्योंकि सारा भेजाल हम लोग खाते हैं, उसके थोड़ा सा अगर ओरिजिनल चीज शरीर में आए तो ब्लड थोड़ा प्यूरिफाई होगा, मैं मतलब मानती हूँ, तो सोचती है। आप लोग ये बात को मेरे जोक पे भी ले सकते हैं, तो मैं लेके आ जाती हूँ, अगर कुछ अमाउंट वो लोग लेने नहीं, वो लोग बिल्कुल ही लेने नहीं खोजते, नहीं मैडम क्या लेंगे, हैं आप आते हैं ये हम लोग को अच्छा लगता है, लेकिन एक तो इंसानियत के नाते, एक तो हम लोग का फर्ज है कि कुछ खाली हाथ नहीं लेके आना चाहिए, कुछ दे के आना चाहिए, कुछ भी हम लेते हैं तो किसी से, कोई गिफ्ट दे वो अलग बात है। हम वहाँ मेरा ऑलरेडी बहुत प्रोस्पेक्टिंग होता है, तो बार बार जाऊंगी, बार बार देंगे, और मैं ऐसे लेके आऊंगी वो भी ठीक नहीं दिखता ना,
मैं देखे तो एक बोरा सब्जी पूरा चार फूल गोभी चार लौकी में आधा बोरा तो कंप्लीट, 1.5 किलो सीम, फिर 500 जैसे पूरा गेंदा फूल, उसके बाद धनिया पत्ता एक पॉलिथीन धनिया पत्ता, 700 करीब 40-50 वो नींबू, जो भात में जो निचोड़ के खाते हैं कागजी चल्लिस नींबू, পঞ্চাশটা লেবু হ্যাঁ পুরো লেবু তোর ওখানে আদা চল্লিশ সব দিয়ে পঞ্চাশ দিয়েছি না আমি, হ্যাঁ বহুত নিম্বু দিয়া থা। তো উতনা ঠান্ডা সিজন মে কে করেঙ্গে ও লোক, হর ঘর মে নিম্বু গাছ দো দো তিন তিন সব নিচে পড়া হুয়া হ্যায় নিম্বু। সিম তো সিম মতলব আখ মতলব জব তক জায়েগা পুরা উসমে ও লোক ক্যা বলতে হাম লোক তো মাচা বলতে হ্যায়, সিম পুরা ছায়া হুয়া হ্যায়, আচ্ছা ভি লাগতা ভিউ দেখনে কে লিয়ে। তো कितना दे दिया और बस मैं भी इधर उधर सब डिस्पैच कर दिया हूँ, कितना रखेंगे। और मम्मी अभी जाएगी ऑफिस, इसीलिए वो तैयारी चार करके जा रही है। वो टाइम बोला दीजिए बंधु देर के कि चावल बन के रेडी है, वो बस स्टार्च निकालना है उसका। चल देवे और थोड़ा सा पानी, पानी इसमें ऐड करेगी, थोड़ा पानी ऐड करके ये थोड़ा उबल जाएगा, देख लूंगी चेक कर लूंगी प्रॉपर बॉयल हुआ कि नहीं खाने लायक, उसके बाद मैं ढक्कन लगा के इसके स्टार्च में निकल दूंगी। बस इतना ही है, कल का दाल रखा है साथ में भून दूंगी और एक सब्जी परसों का भी कुछ कुछ है सब्जी, आज सारा निकाल के उसको खत्म करना है, एक्स्ट्रा से कोई कारी और सब्जी मैं नहीं बना रही हूँ, आज ये खत्म करेंगे कल फ्रेश जो है बनाऊंगी और बस आगे देखते रहिए। मैं तो निकल जाऊंगी, टुआ रहेगी, मैं आ जाऊंगी, मेरा 2 घंटे का ही काम है ऑफिस में, मैं सेकंड हाफ में निकलूंगी, अभी नहीं सब काम खत्म। अभी तो कितना 12:30 बज चुका है, कुछ तो अच्छा लगता है देखने में जो चाय डालते हैं, चाय उबलता है मीठा दीदी, तो वो सब बहुत जल्द आने वाला है, वो सीन भी आने वाला है, इंतजार कीजिए, इंतजार का फल मीठा होता है। चलिए मैं अभी करती हूँ, जल जाएगा, खाने लायक नहीं बने, एक ही सब्जी है। फ्रेंड्स गुड इवनिंग, तो यहाँ पे इतने सारे जो कपड़े रखे हैं ना, ये सारे मैंने जो क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र जो आलना है वहाँ से निकाले थे, सारे ऐसे ही धो के रखे हुए थे लेकिन कुछ फोल्ड करना नहीं हुआ था, तो मैंने यहाँ पे निकाला है, सब फोल्ड करके ऑर्गेनाइज करके रखूँगी। और ये देखिए यहाँ पे मैंने रख भी दिया है, इस तरफ मैंने जितने ट्राउज़र्स है नीचे बेडशीट्स है, और इस तरफ नाइटी जो है वो सब मैंने रख दिया। और ये एक साड़ी जो है ये लॉन्ड्री में जाएगा, बहुत दिनों से ये धुला नहीं है तो इसलिए ये साड़ी को मैंने बाहर ही रखा है लॉन्ड्री में रखने के लिए, और पूरा क्लीन कर दिया है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मॉर्निंग का बाद अभी डायरेक्ट इवनिंग पे आ गई है, अभी बन रहा है खीर, गुड़ गुड़ का खीर, ये पूरा जम गया था, थोड़ा दूध खीर के लिए दूध चरा लिया हूँ, उबल भी गया। शॉर्टकट ट्रिक में हम पायस बना रहे हैं, सही बात, शॉर्टकट ट्रिक एकदम, मैं आप सबको तो मालूम है मैं तो पब्लिक ही शॉर्टकट वाला हूँ। तो यहाँ 2 पैकेट दूध जो हाफ लीटर वाला उनके पैकेट वो मैंने यहाँ खोला लिया हूँ अच्छी तरह से, जो है करछुल मैंने जो भी बोलते हैं हाथा पायस का, हम लोग का छोटा हाथा होता है चटनी खीर देने के लिए, टेबल स्पून, टेबल स्पून से भी बड़ा है ये डाइनिंग स्पून क्या बोलते हैं ए साइज स्पून को क्या बोलते हैं बोलिएगा, उसको मैंने थोड़ा घोट के इसमें डाल देना है, और चीनी भी लगेगा क्योंकि गुड़ कम पड़ेगा, थोड़ा सा ही गुड़ था, तो लास्ट था ये अगले साल का मेरा एकदम खेजूर गुड़, अभी जो विंटर सीजन में हम लोग का बंगाली का जो खेजूर गुड़ एकदम मिलता है, सारे पीठा के रेसिपी खीर के रेसिपी वही गुड़ से हम लोग का बनेगा, तो लास्ट था अगले साल का बचा हुआ, तो इसको आज मैं लास्ट खीर जो है बना रही हूँ, खीर लास्ट नहीं बना रही हूँ गुड़ लास्ट है, तो बना रही हूँ। और शॉर्टकट इसलिए मैंने कहा, इसमें सब कोई क्या करते हैं जनरली खीर जो दूध उबलते हैं उसके बाद हिसाब से जो क्वांटिटी हिसाब होता है चावल डाल के इसको बॉयल करते हैं, मैंने प्रेशर कुकर में चावल जो है बॉयल करने के लिए दे दिया हूँ अंदर से पानी, और सिर्फ 2 मुट्ठी चावल, मुट्ठी में जितना आएगा 2 मुट्ठी में 2 मुट्ठी चावल मैंने धो के अच्छा से मैं दे दिया हूँ, ये हो गया है। अब ये पूरा एकदम सॉफ्ट बॉयल एकदम चाहिए खीर के लिए, जैसे मुँह में लगे कि जीभ में भी ना लगे डायरेक्ट अंदर चले जाए तो होता है खीर, चबाना पड़े चावल को ऐसे नहीं। तो मैंने यहाँ चावल मेरा रेडी है, अभी मैं इसको मिला दूंगी ड्राई रोस्ट करके, मैं इसको भी दे दूंगी, और सीटी जब तक मेरा सी करेगा इसको न उतार दूंगी, देखे मैं डाल दूंगी, और थोड़ा सा 5-7 मिनट मैं इसको कर लूंगी, सब इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं जब इसको हिला लूंगी चला लूंगी खीर रेडी हो गया, मतलब 15-20 मिनट में खीर रेडी, 15 मिनट में खीर रेडी, क्योंकि प्रोसेसिंग तो वही है, मुझे दूध में उबालना है, मैंने पानी से उबाल लिया चावल को बस सीज गया, तो लेकिन वो ये दूध में अगर डालते हैं ना तो बहुत देरी होता है, इसीलिए मैंने शॉर्टकट में भूख भी लगा है
बोले थी मम्मी हनुमान जी का लड्डू लाना, मतलब एक लड्डू जो हनुमान जी को चढ़ता हनुमान है जी को लड्डू लाना, जो लड्डू हनुमान जी को चढ़ता है हनुमान जी उसको के हम लोग हाथ हनुमान में लड्डू इतना बोलते हैं। इतना बड़ा लड्डू रहता है, नहीं ऐसे करके वो रहता टाइप है। तो हनुमान जी को वही लड्डू चढ़ता है भगवान के पास, लड्डू जो बूंदी का चढ़ता लड्डू लाना बूंदी बोला का था, लड्डू हनुमान का तो लड्डू, हम लोग बाप उसको रे। नाम ही दे दिए हनुमान लड्डू, तुम लाना। तो मैं नहीं लाई, मैंने खीर बनाऊंगी फिर लड्डू, नहीं तो खीर बना दूंगी, रोटी बनाऊंगी, लौकी का सब्जी है यहाँ, साग तो खत्म हो गया, लौकी का सब्जी मैंने बाद में बनाया था, लौकी का सब्जी और एक तो नूडल आलू देके भाजा। थोड़ा सा आलू भाजा, थोड़ा सा आलू भाजा है, तो रात को हम लोग का डिनर बस उतने में हो जाएगा दोनों का, और खाली इसी का इंतजार है अभी खीर का, इसको मैं मिला देती हूँ फूल को। एक साल से टिफिन गुड़ लेके फ्रिज में पड़ा था, सब टिफिन बॉक्स बॉक्सिंग हो रहा, अनबॉक्सिंग हो रहा, वेजिटेबल्स काट के रखती हूँ, मसाला पीस के, ए बेचारा अकेले अंदर में रोता रहा एक साल तक कि मुझे कब निकालोगी, खत्म करोगी और धोगी। बस आज इसका टिफिन बॉक्स का, टिफिन बॉक्स का दिल गार्डन गार्डन हो गया। चलो फाइनली मुझे भी एक टिफिन भरती छिलो, एक बहुत ज्यादा था, होते होते लास्ट जब बचा था तो मैं एक टिफिन जैसा था, तो मैं कैडबरी कैडबरी लास्ट है इसमें मैं डाल के। चावल जो है पक के पूरा रेडी है, इसको मैं अभी दूध में डाल के 5 से 7 मिनट तक मैं और इसको पका लूंगी। इसके पास टाइम ना हो, खीर खाने का मन हो, यही शॉर्टकट प्रोसेस अपनाइए, हो भी जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। आप अलग से भात राइस बना के आप खीर पकाए, सब एक ही जगह सब जाके आपस में दोस्ती कर लेगा, आपको कोई टेंशन नहीं देगा। धीमी आंच में मैं पका लूंगी और 10 मिनट, तो ये पूरा रेडी हो जाएगा बस। और मैं काजू, इतना ही काजू था मेरे पास, और नहीं डाल दूंगी, लास्ट में डालूंगी, तो काजू सीचते सीचते काला हो जाता है, लास्ट में डालूंगी। मैं डिनर लेके आ गया हूँ, 2 रोटी थोड़ा सा चावल और लौकी का सब्जी, 1 बैगन भुजिया और मिर्चा मुझे चाहिए, रोटी या भात के साथ मुझे मिर्चा चाहिए। और ये हाथ सादा है, आटा सानी थी तो एक ही बार खा के मैं हाथ धो लूंगी। और ये है खीर, ये टुआ के लिए, टुआ तो डिनर कर लिया है, गद्दारी किया मेरा साथ, पहले ही कर लिया, उसको भूख लगा, वो इतने ही की मेरे लिए, वो खाली बोली तो हम खा लेते हैं तुम्हारे साथ, हम खीर खाएंगे। ये है खीर, ये देख काजू। की सुंदर हो ना, इतना अच्छा है, मतलब खुशबू आ रहा है खीर से, टेक्सचर बहुत अच्छा है। और मैं डिनर कर लेती हूँ दोस्तों, तो आपके लिए बस इतना ही, जो भी हम लोग एक्टिविटी किए आपके साथ शेयर किए, जितना पॉसिबल होगा आपके साथ शेयर करूंगी, और आशा करती हूँ आप सब भी बहुत लाइक करते होंगे। और आगे अगर कुछ देखना चाहते हैं, मतलब और एक्स्ट्रा कुछ देखना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिएगा कि हाँ ये वाला कीजिए, हम लोग देखना चाहते हैं, चैलेंज वीडियो कुछ आप लोग चाहते हैं तो वो भी हम लोग करेंगे, लेकिन कॉमेंट में लिखना पड़ेगा। तो चलिए डिनर कर लेते हैं, टुआ भी अपना खीर खा के बताओ कैसा हुआ है, कैसे अच्छा ही है, खाऊंगी थोड़े दिन में। टेस्ट तो बहुत अच्छा हुआ, मैंने टेस्ट भी कर लिया चम्मच, क्योंकि नमक और चीनी का स्वाद मैं टेस्ट करके ही मैं हर सब्जी में डालती हूँ, चाहे मैं खुद खाऊं या फिर मैं किसी को खिलाऊं, मैं टेस्ट कर लेती हूँ, बगैर टेस्ट किए मतलब मैं बना नहीं पाती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, और ऑल टाइम स्माइल स्माइल करते रहिए, गुड नाइट।